acted all alright. Had no need to fight tonight, tonight. तो व्हाट्सअप का काफ़ी अर्सा के बाद तो वीडियो आ चुकी है, तो आप लोगों ने बोला था कि भाई इम्यूलेटर की सेटिंग बताओ, इम्यूलेटर की सेटिंग बताओ, तो ये आई है वीडियो। तो गाइस से सब कुछ फुल है, अल्ट्रा बाकी सेंसिविटी जर्नल फुल, रेड डॉट 85, 2x75, 4x65, बाकी AWM इसको अपलो जीरो कर देते हैं, बाकी ये कस्टम USD है, सबको मैंने साइज को ज़ीरो किया हुआ है, ठीक है। बाकी ये वाली सेटिंग देख लो, देखो ना जब आप, ये है मेरा इमुलेटर है मीमू 7.1, तो मैं इसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, तो जब आप इंस्टॉल करो तो ये यहाँ पे स्मार्ट मोड में होगा, तो आप यहाँ से स्टैंडर्ड मोड में कर देना, फिर ये जो की मैपिंग होगी ना ये फिर सेट हो जाएगी, ठीक है। फिर ना आप ऐसे पहले कस्टम USD करके फिर उसके ऊपर वो चीज़ें रख के फिर बस अपनी सेटिंग कर लेना जो आपको अच्छी लगे। तो बाकी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये रहा मीमू 7.1, तो इसकी मैं सेटिंग दिखाता हूँ कि अंदर मैंने क्या की हुई। और बाकी इंजन मैंने भाई प्रेजेट सेटिंग में रखी है, टॉप है CPU 4 और 4GB रैम है, बाकी रेंडर है जो मेरा डायरेक्ट एक्स है और रूट मोड जो ऑन है मेरा। तो गैस जो डिस्प्ले है वो टेबलेट है, और बाकी 9020 1080p 120fps एनी फ्रेट टिकट ऑन है गाइस। तो ना देखो ना जब अगर अच्छा है PC या चलो 1GB ग्राफिक कार्ड है, 6GB रैम है, तो कोर i3 है ना, तो मैं प्रीफियर करूँगा कस्टमाइज़ करके, ठीक है ना, कस्टमाइज़ करके ये वाली रखना 1366/768 या 367/768, इन दोनों में से कोई एक रखना, ठीक है। बिकॉज जब आपको अपने ये PC की अपनी भी रेजोल्यूशन नहीं रखनी होगी और इसकी भी ये रेजोल्यूशन रखी होनी होगी, ताकि फिर ये भाई अंदर फुल स्क्रीन हो, जैसे मेरी ये जो फुल स्क्रीन हो ना ये हो। और बाकी अपनी प्रोफाइल में ये आपका पहले ये होगा OnePlus A5 होगा, तो आप इसको करना ASUS ROG फ़ोन, बिकॉज अगर आपका भाई अच्छा है GPU अच्छा, तो यहाँ से आप भाई एनेबल FPS मोड करोगे ना और यहाँ से ASUS ROG करोगे, तो भाई आपके 90 FPS आएंगे, ठीक है। बाकी अक्सर लोग भाई स्ट्रीम पे कहते हैं ब्रो आपकी ये वीडियो या आपकी गेम भाई कलरफुल दिख रही है, ये आपने कैसे किया है, तो यहाँ से प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पर आपको सॉफ्टवेयर का नेम बता रहा हूँ, कलर चेंजर फ्री रूट। मैंने ज़्यादातर नोट किया है ये ना बिकॉज ये रूट वाले इम्यूलेटर में चलती है, जो देखो रूट मोड मेरा ऑन है, अगर मैं इसको ऑफ करूँगा तो भाई ये सॉफ्टवेयर चलेगा ही ना, तो इसको यहाँ से डाउनलोड करना। अगर आप भाई ब्लू स्टेक प्लेयर हो तो भाई उसके अंदर सेटिंग में जाके थोड़ा सा जब देखोगे ना तो अंदर रूट मोड होगा, वरना आप भाई गूगल से वीडियो देख के आप उसको रूट भी कर सकते हो। फिर जब आप ये इम्यूलेटर को खोलोगे तो भाई देखो, अभी मैं नॉर्मल कर देता हूँ, देखो भाई अब मैं आपको नॉर्मल में गेम खोल के दिखाता हूँ कि कलर पे आसमान ज़मीन का फ़र्क आता है। देख रहे हो आसमान ज़मीन का फ़र्क, यहाँ से ट्रेनिंग पे चलते हैं। भाई एक तरीके से फुल ब्लैक एंड वाइट लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये सॉफ्टवेयर में गए, ठीक है ना, चलो मैं यहाँ से आप लोग को वो सेटिंग, यहाँ से भाई देखो मेरी जो सेटिंग है मैंने की है भाई कस्टमाइज 1 Pro, तो यहाँ से भाई कस्टमाइज 3 Pro में जाओ, ये जो है ना ये सबसे नीचे वाले साथ छेड़ना, उसको बिल्कुल फुल कर देना, लास्ट पे लाना, फिर भाई सेव करना, फिर यहाँ से बैक करके इसको जब क्लिक करके फिर जब गेम में जाओगे ना, फिर अभी आपको भाई दिखाता हूँ ब्लैक एंड वाइट चला गया, और भाई
गाइस यही वीडियो थी भाई, वन टैप सही लगते हैं, बाकी वो आपके ऊपर भी है कि भाई आप कैसा खेलते हो।